Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Parneet. I hope you all are doing good. So today in this video lesson, we are going to discuss active passive voice in which past perfect tense we are going to discuss today. देखो, past perfect tense जो तो perfect type की गल आती है ना तो उसके बीच जो तो active तो passive की गल आती है ना active वाले sentences तो सी passive के भी sentences convert कर दिया guys. That's really a cup of cake for everyone. बहुत easy हो जाने ने. क्यों easy हो जाने ने? Because उदे विच हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज करना होंदा, ऑलरेडी वर्ब दी थर्ड फॉर्म पई होंदी आ, ओनू ही असी पैसिव दे विच कन्वर्ट कर देना. ठीक है, मीन्स ए टेंशन नहीं होंदी कि फर्स्ट तो सेकंड दे विच कन्वर्ट करो या सेकंड आई ओनू थर्ड दे विच कन्वर्ट करो. फाइन. सो देखो, जो पास्ट परफेक्ट टेंस की गल आती है उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस जेडे हाँ वाचक सेंटेंसेस होंगे ने उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर की होंगे. सब तो पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस के विच किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे. मीनस सिंपल टेंसेस जेडे असीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उन्होंने की सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे. देखो, मैं तुम्हें तो सारी जी भी पैसिव वॉइस है ना वो एक्टिव ते पैसिव दोनों की सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस कर दी. क्यों कर दी? करन मैं सिर्फ सिंपल पैसिव भी तुम्हें समझा सकती हूँ. सोल मोटिव इज कि तुम्हें बैटर क्लैरिफिकेशन हो सके एंड डाउट्स ना रहन कि टेंसिस दे विच तुसी पहला सोचो की आंदा सी, हुण जो तो पैसिव दे विच कन्वर्ट करना है उसनू किस तरह करना है. फाइन. सिंपल टेंसिस दे विच एक्टिव दे विच सब तो पहला सब्जेक्ट आंदा सी, हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट दे विच हैड लग जांदा है, वर्ब दी थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, हुण देखो हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया और पैसिव दे विच भी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा. वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो वर्ब दी थर्ड फॉर्म ही पैसिव दे विच ऑलरेडी आंदी है. सानू पता ही है कि पैसिव दे विच चाहे कोई भी टाइप होवे, कोई भी टेंस होवे, हमेशा वर्ब दी थर्ड फॉर्म ही आएगी. फाइन. एक चीज होर, जो असि लास्ट वीडियो कॉन्टीन्यूअसली की थी, उसके विच असि यूज किया सी बीइंग फॉर आई एन जी. हुण इत्थे असि दसना है कि यह भी परफेक्ट टेंस है ना, हो चुका सी. इहदी पहचान की होंदी है? चुका सी, चुकी सी, चुके सन. उस पर्टिकुलर टाइप दे सेंटेंसेस दे विच असि की यूज करते हैं? डैट इज बीन. सो बीन आ जाता है जो परफेक्ट टाइप की गल आती है. फाइन. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव दे विच कन्वर्ट करांगे. सब तो पहला ऑब्जेक्ट अगे आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, देन आएगा बीन, वर्ब दी थर्ड फॉर्म, बाय एंड दे विच सब्जेक्ट. बाय क्यों आंदे आ? सानू बिल्कुल पता है बिकॉज गल हुंदी है किसी चीज दे द्वारा दी, कम किया जाता है किसी दे द्वारा, तो उठे आ जाता है बाय. फाइन. देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द सेंटेंसेस. देखो, सुनील हैड वॉच्ड अ मूवी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब दी थर्ड फॉर्म वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, अ मूवी इज द ऑब्जेक्ट. जो सिंपल एक्टिव वाले सेंटेंस नूं हुण असीं पैसिव दे विच कन्वर्ट करांगे, अ मूवी अगे आ जाएगा बिकॉज दैट इज ऑब्जेक्ट, उहनूं असीं अगे लै आवांगे. अ मूवी हैड, फिर की आएगा हेल्पिंग वर्ब तो बाद की आएगा? बीन. बीन वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी सी वॉश्ड, इत्थे भी असीं वॉश लगा देंगे तो सानूं टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं. बाय सुनील, किसके द्वारा? सुनील दे द्वारा. सो सुनील हैड वॉश्ड अ मूवी, पैसिव बनेगा अ मूवी हैड बीन वॉश्ड बाय सुनील. फाइन. सेकेंड इज दे हैड संग अ सॉन्ग. ठीक हैड आ गया, संग आया, सिंग सैंग संग. ओके, सो अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय देम. ठीक है, इस चीजें का सानू पता नहीं ना कि दे दा देम बन जाता है, ही दा की बन जाता है, ही दा हिम, शी दा हर. ठीक है, ये चीजा ऑलरेडी जो फर्स्ट सेकंड वीडियोस आप डिस्कस करनी स्टार्ट की थी, पैसिव वॉइस दी उदो ही क्लीयर हो गई सी. एंड आई होप जो तुम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हो तो क्लीयर हो रहा है, बैटर क्लीयर हो रही है. फाइन. ओके, हुण देखो जो नैगेटिव की गल आएगी, नैगेटिव वाला केड़ा हुंदा जिहदे विच ना वाचक सेंटेंसिस आ जाते हैं, नॉट आ जाते, बहुत ईजी है इहदे विच तां बनाना बिकॉज हेल्पिंग वर्ब सेम है ना, वर्ब दी थर्ड फॉर्म भी सेम सेम लग रही है, तो जो नॉट आएगा, नहीं आएगा, वो कितने लगा देना? मैं तुम्हें हमेशा समझानी है, चाहे कोई भी टेंस होवे, जो नेगेटिव की गल आती है हेल्पिंग वर्ब जिथे भी पिया होंगे उस तो बाद नॉट प्लेस कर. इस तो बिना कदे भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. हेल्पिंग वर्ब की है? हैड है, इतने नॉट आ जाएगा. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कितने है? हैड आ सी हेल्पिंग वर्ब, इतने नॉट आ जाएगा. सेम है सेंटेंसिस दे विच, जो नॉट की गल होगी हेल्पिंग वर्ब तो बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब तो बाद नॉट. ठीक है, लाइक सुनील हैड नॉट वॉश्ड अ मूवी हैड नॉट बीन वॉश्ड बाय सुनील. सो दे हैड नॉट sung a song had not been sung by them. ठीक है, नेगेटिव टाइप बिल्कुल ईजी होंगी है. नाउ थर्ड टाइप इज द इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव टाइप वो होंगी है जिदे विच असी किसी नूं प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उहदे विच कौन हीरो दा रोल प्ले करता है? हेल्पिंग वर्ब कर, हेल्पिंग वर्ब सब तो अगे आ जाता है एंड जिहड़ी चीज सब तो अगे आउंदी है उही हीरो दा रोल प्ले कर. इन इंटेरोगेटिव टाइप जिथे क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उहदा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर की होंगे? देखो हैड जिहड़ा हेल्पिंग वर्ब है उहनूं असीं अगे लै आवांगे, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम.
हैड सब्जेक्ट वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पीछे क्वेश्चन मार्क दा तुसी ध्यान रखना है फाइन ओके पैसिव दे विच हैड बिल्कुल अगे आएगा बिकॉज ओदे विच भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है उस तो बाद ऑब्जेक्ट आएगा बीन वर्ब दी थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा सब तो एंड विच क्वेश्चन मार्क ठीक है सेंटेंस देखो हैड दे प्लेड क्रिकेट हैड सब्जेक्ट कौन है दे वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्ले 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 ऑब्जेक्ट की है क्रिकेट पीछे क्वेश्चन मार्क ठीक है इसका पैसिव स्ट्रक्चर किवें बनेगा हैड उठे ही रह जाएगा क्रिकेट अगे आ जाएगा हैड क्रिकेट ऑब्जेक्ट तो बाद की आएगा बीन प्लेड बाय देम क्वेश्चन मार्क हैड दे प्लेड क्रिकेट हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम ठीक है हुण जदों इंटरोगेटिव टाइप की गल आती है उत्थे डिस्कस करना बहुत जरूरी है विच इज डबल्यू एच फैमिली दैट इज वॉट वेयर वाई एंड वैन जदों ये चीजा आ जांदियां ने कि हैड दे प्लेड क्रिकेट या फिर आ जाए वेयर आ जाए है ना वेयर जिवें उन्होंने आया कि बच्चे क्रिकेट खेल चुके सन ठीक है मतलब वो क्रिकेट खेल चुके सन हो चुके सी या कित्थे खेल चुके सन क्यों खेल चुके सन है ना जदों ये चीजा आ जाए या बच्चे की खेल चुके सन इस तरह के सेंटेंसिस भी आ सकते हैं उदों आ जाती है डबल्यू एच फैमिली जदों आ गई उस सेंटेंस के सब तो अगे आ जाएगी मीन सेंटेंस स्ट्रक्चर के डबल्यू एच फैमिली इतने आ जाएगी इसकी इतने आ जाएगी डबल्यू एच फैमिली बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सारा रिमेन द सेम लाइक सेंटेंस बनिया Where had they played cricket? मतलब वह क्रिकेट कितने खेल चुके सन ठीक है सो where had cricket been played by them? सो यह भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही हो गया ना कि उन्होंने द्वारा क्रिकेट कितने खेली गई सी ठीक है मीनस घुमा फिरा के गल होंगी है पर सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहा है तो जो डबल्यू एच फैमिली गल आती है इंटरोगेटिव टाइप के विच तुहानू नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है डबल्यू एच फैमिली जो आ गई वह हीरो का रोल प्ले करेगी मीनस वो हैल्पिंग वर्ब तो भी अगे प्लेस कर देनी है फाइन सैकेंड स्ट्रक्चर देखो हैड आई रेड अ नॉवल रीड रेड रेड ऑलरेडी वर्ब दी थर्ड फॉर्म आती है बिकॉज इट्स अ परफेक्ट टाइप So had a novel been read by me, ठीक है जो डब्ल्यू एच फैमिली आ गई तो आ जाएगा जो सपोज आ गया वैन कदों वैन हैड आई रेड अ नॉवल मैं एक नॉवल कदों पढ़ चुका सी ठीक है सो पैसिव दे विच भी वैन अगे आ जाएगा वैन हैड अ नॉवल बीन रेड बाय मी क्लियर सो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज डब्ल्यू एच फैमिली के कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है उन्होंने अगे प्लेस कर देना है जो इंटेरोगेटिव की गल आती है उसके भी सिर्फ हैल्पिंग वर्ब तुम चक के अगे लो बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सारा रिमेन सेम क्लीयर सो आई होप इट इज क्लीयर टू यू गाइज इतने कंप्लीट होंगी अपनी पास टाइप नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग के पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टाइप एक लैफ्ट है वो क्यों नहीं डिस्कस कर रहे बिकॉज गाइज मैं तुम्हें ऑलरेडी दस चुकी हूँ दैट्स अ बिग रिलैक्सेशन इन पैसिव वॉइस परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टाइप कोई भी होंगी है वैदर इट इज ऑफ परफेक्ट पास्ट और फ्यूचर टेंस ओदी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होंगी सो इतने असं कंप्लीट कर चुके अपना पास्ट वाला नैक्सट इज द फ्यूचर फ्यूचर के विच असं सिर्फ दो टाइप्स ही डिस्कस करांगे वो होर भी रिलैक्सेशन है केड़ियां डिस्कस करांगे नैक्सट वीडियो के विच तुहानू पता लग जाएगा एंड यस गाइज जे तुहानू मेरियां वीडियोज थोड़िया जी भी यूजफुल लगदियां ने तुहानू काम आउंदियां ने हैल्पफुल होंदियां ने प्लीज शेयर करया करो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव एनी डाउट्स डू राइट मी इन द कॉमेंट सैक्शन थैंक यू सो मच बाय टेक केयर